लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था, ये जो फाइनाइट, इसकी हम एग्जांपल कर रहे थे एक्सटेंशन फील्ड की, और जो फाइनाइट डायमेंशनल यानी इसकी जो डायमेंशन होती है ये फाइनाइट होती है, या डिग्री जो है ये फाइनाइट होती है, एक्चुअली ये वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है। अब इसके बाद हमें बात करनी थी इस थ्योरम की, जो स्टेटमेंट है कि ए फाइनाइट एक्सटेंशन फील्ड ई ऑफ ए फील्ड एफ इज एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ। ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है तो वो एक अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा एफ का, ठीक है। यानी इससे पहले हमने जो एग्जांपल्स देखी थी उसमें जो अलजेब्राइक यानी जो फाइनाइट एक्सटेंशन ही हमने देखे थे, इसलिए वो अलजेब्राइक एक्सटेंशन जो है वो नजर आ रहे थे। अब देखें इसमें हम ये देखते हैं कि अगर आप इस चीज को देखें कि इसको यानी कि प्रूव करना है कि किस तरीके से प्रूव करना है, तो ये हमारे पास है फाइनाइट, इसको हम कह रहे हैं कि ये फाइनाइट एक्सटेंशन है फील्ड एफ का, तो ये अल्जेब्राइक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रूव करना है कि ई का हर एलिमेंट अल्जेब्राइक होगा। तो इसको प्रूव करने का तरीकेकार ये होगा कि हम ये कर लेंगे कि एक एलिमेंट लेंगे अल्फा, जो कि ई का एलिमेंट होगा, तो ई से एक एलिमेंट अल्फा ले लेंगे, और फिर उसके बाद हम ये कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट, एफ ऑफ एक्स यानी कि एक पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स यानी कि इसमें एक पॉलिनोमियल होगा सच दैट एफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अल्फा इज अल्जेब्राइक ओवर एफ। तो अगर अल्फा अल्जेब्राइक ओवर एफ है तो इसका मतलब ये होगा कि ई का हर एलिमेंट जो है वो अल्जेब्राइक होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अल्जेब्राइक एक्सटेंशन है। अब देखिए कि इसे प्रूव जो है वो किस तरीके से हम करेंगे, तो इसका जो है प्रूव देखते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, हमने एस्यूम कर लिया कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू ई, ये सबसे पहले हमने एस्यूम कर लिया। अब हमें प्रूव ये करना है कि अल्फा इज अलजेब्राइक ओवर एफ, यानी कि हम एक पॉलिनोमियल लेंगे और फिर ये शो कर देंगे। अब हम जो है ये हमारे पास ई जो है ये इसका एक्सटेंशन है, तो हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि लेट डिग्री ऑफ ई ओवर एफ इज ये हमने अस्यूम कर लिया कि डिग्री ऑफ ई ओवर एफ ये हमारे पास n है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अलजेब्राइक यानी कि जो फाइनाइट एक्सटेंशन है, क्योंकि ये फाइनाइट एक्सटेंशन है तो फाइनाइट एक्सटेंशन होने की वजह से इसकी कोई ना कोई फाइनाइट डिग्री होगी, तो हमने अस्यूम कर लिया कि इसकी डिग्री n है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम e को एक वेक्टर स्पेस कंसीडर कर सकते हैं ओवर द फील्ड f, सच दैट कि ई की जो बेसिस होंगी उसमें एन एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई की जो बेसिस है उसमें एन एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद हमने लिखा देन, ये जो अगर हम एलिमेंट लिख रहे हैं वन अल्फा अल्फा स्क्वेयर अल्फा टू दी पावर एन, ये सारे जो है क्योंकि ई फील्ड है और अल्फा उसका एलिमेंट है, तो ये सारे ई के ही एलिमेंट ई के ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो दिस दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू
आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स भी लिख देते हैं, आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स। क्यों नहीं होंगे? उसकी वजह यह है कि इसकी बेसिस में तो एन एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी सेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा उसकी कार्डिनेलिटी हमेशा एन या एन से कम होगी, जबकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये एन प्लस वन एलिमेंट्स हैं। तो अगर बेसिस में एन एलिमेंट्स हैं तो एन प्लस वन एलिमेंट जो है वो स्पेनिंग सेट तो चले आप कह सकते हैं, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है वो कभी नहीं हो सकते। आप लोगों को याद होगा, इस तरह की चीज़ आपने पढ़ी थी, पढ़ी होगी कि अगर आपके पास कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है किसी वेक्टर स्पेस में, तो उसमें कुछ वेक्टर्स को ऐड करके आप उसे बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में वेक्टर्स ऐड किए जाते हैं, एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। इसी तरह से एक और पढ़ा होगा कि अगर कोई स्पेनिंग सेट है तो स्पेनिंग सेट के एलिमेंट्स को रिड्यूस करके बेसिस में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि स्पेनिंग सेट जो है वो उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो हो सकते हैं, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं होंगे। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि सो देयर एग्जिस्ट। और ये बात ध्यान में रहे कि हम एफ ई को वेक्टर स्पेस कंसीडर कर रहे हैं ओवर द फील्ड एफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वेक्टर्स लेंगे ई से और स्केलर्स लेंगे एफ से। सो देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट ए आई बिलोंग टू एफ सच दैट ए नल अल्फा टू द पावर एन प्लस ए वन अल्फा प्लस ए नल इज इक्वल टू जीरो एंड नॉट ऑल एंड नॉट ऑल ए आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट हैं ये, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अगर ज़ीरो है तो सारे ए आई जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकते। देन देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन x to the power n plus a 1x plus a n is a non-zero नॉन जीरो पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन जीरो जो है वो पॉलिनोमियल होगा इन द पॉलिनोमियल रिंग एफ ऑफ एक्स एंड
एफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जाहिर है कि अगर ये आपके पास जो है ये सारे कोएफिशिएंट 0, अगर ये सारे कोएफिशिएंट 0 होते तो फिर तो ये 0 पॉलीनोमियल होता, ये 0 पॉलीनोमियल होता। लेकिन क्योंकि सारे कोएफिशिएंट 0 नहीं है, नॉट ऑल ए आई इज इक्वल टू 0 लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की वजह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स होगा ये एक नॉन जीरो पॉलीनोमियल होगा। तो अगर ये नॉन जीरो पॉलीनोमियल होगा तो क्योंकि अल्फा रखने पे ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ अल्फा जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज अलजेब्राइक ओवर एफ, और अगर अल्फा अलजेब्राइक है तो ई का हर एलिमेंट अलजेब्राइक है, और अगर ई का हर एलिमेंट अलजेब्राइक है ओवर एफ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो है ई जो है वो अलजेब्राइक एक्सटेंशन है एफ का। तो यही चीज जो है वो हमें प्रूव करनी थी इस थ्योरम में, जो कि प्रूव कर दी है। अब इसके बाद एक रिजल्ट और है, ये थोड़ा सा जो है ये बड़ा रिजल्ट है, इस रिजल्ट को देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ। इफ ई इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन फील्ड ऑफ ए फील्ड एफ, तो इफ ई इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, एंड के इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन फाइनाइट एक्सटेंशन फाइनाइट एक्सटेंशन फील्ड ई देन के इज ए फाइनाइट के इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन के इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, एंड डिग्री ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ के ओवर ई टाइम्स डिग्री ऑफ ई ओवर एफ। देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर आप जो है वो इस एग्जाम्पल को देखें, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल जो है ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है ये लिखी थी मैंने ये वाली। इस एग्जाम्पल को अगर आप कंसीडर करें तो इस एग्जाम्पल में जो है मैं कलर जो है वो चेंज करता हूँ, तो उससे थोड़ा सा
इसको रेड कर लेता हूँ। तो देखिए इस एग्जाम्पल में, ये वाली एग्जाम्पल में, इसमें आप देखिए कि जो है यहाँ पर क्यू रूट टू कॉमा रूट थ्री, ये एक्सटेंशन है क्यू का। अब हम ये एक पढ़ चुके हैं कि क्यू रूट टू इज ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू, और इसकी डिग्री जो है ये टू होती है। ठीक है, इसी तरह से हम एक और चीज जो है यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कह सकते हैं कि क्यू इज रूट टू कॉमा रूट थ्री इज ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू रूट टू, ये अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ क्यू रूट टू, और इसकी डिग्री टू होती है और इसकी डिग्री फोर है। तो अगर इस चीज को इनका प्रोडक्ट लें तो इसका प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर हम इस चीज को जो है वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक दूसरे कलर से जो है वो लिख रहा हूँ कि क्यू रूट टू कॉमा रूट थ्री की डिग्री ओवर क्यू इज इक्वल टू क्यू रूट टू कॉमा रूट थ्री की डिग्री ओवर क्यू रूट टू टाइम्स जिसकी डिग्री क्यू रूट टू डिग्री क्यू। इनका प्रोडक्ट लें, ये फोर है, ये टू है, ये टू है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास फोर आ जाएगा, जो कि आप ये जो आपके पास नीचे रिजल्ट है इसके स्टेटमेंट में जो है वो देख सकते हैं। तो इसका प्रूफ जो है वो हम देखते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे हमारे पास जो है वो ये इस तरह से है कि फील्ड एक्सटेंशन हमारे पास फील्ड हमारे पास क्यू है, इसका फील्ड एक्सटेंशन है क्यू रूट टू, और इसका एक्सटेंशन है क्यू रूट टू कॉमा रूट। इसकी बेसिस आपने देखी थी कि इसकी जो बेसिस है वो क्या होगी, वन कॉमा रूट टू। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके पास जो है वो इसकी जो बेसिस होंगी, यानी कि इस पर जो बेसिस होगी वो रूट टू पे, जब आपको जो है वो क्या कहते हैं उसे निकालना होगा, तो आपके पास रूट थ्री और वन, फिर ये पूरे की जो बेसिस यहाँ पर आएंगी तो ये इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, वन रूट टू रूट थ्री और रूट सिक्स। तो इस तरह से चार एलिमेंट्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ अगर जो है वो इस चीज़ में हम देखें, ये हम इसको जो है वो प्रूव करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कलर में फिर दोबारा। तो बिल्कुल यही चीज है वो यहाँ पर है कि हमारे पास जो है वो फील्ड के है,
जो कि एक्सटेंशन है ई का, और ई ये इधर नहीं आएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास के है जो कि एक्सटेंशन है ई का, और ई एक्सटेंशन है एफ का। तो अब इस तरह से है इसमें कि जो ये बेसिस हम जैसे अस्यूम कर लेंगे कि इसकी जो बेसिस है उसका सेट है इसकी जो बेसिस है उसका सेट हम अस्यूम कर लेंगे कि ये अल्फा जी है, ये अल्फा आई ले लीजिए। अल्फा जे या आई चले पहला है ना, तो फिर इसे आई ले लीजिए, और फिर यहाँ जो बेसिस है ये आप ले लीजिए बीटा जे, जबकि जे की वैल्यू जो है वो अगर डिग्री जो है वो एन ही है सब में, तो वन से लेके एन तक सबकी वैल्यू होगी, और फिर उसके बाद जो ये आएंगी आपके पास इसकी बेसिस जो है ये आ जाएंगी अल्फा आई बीटा जे। तो अल्फा आई और बीटा जे ये आपने इसके ले लिया। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए जो है वो हम जा रहे हैं, तो किस तरीके से इसका प्रूव करेंगे, तो हमने ये पहले ही कह दिया है कि इसका जो है क्या कहते हैं उसे बेसिस जो है इसकी अल्फा आई है, यानी कि ई की बेसिस ओवर एफ, इसका प्रूव जो है वो देख लेते हैं। लेट अल्फा आई बी दी बेसिस ऑफ ई ओवर एंड लेट बीटा जे बी दी बेसिस ऑफ के ओवर ई, ये हमने जो है वो एस्यूम कर लिया ये। अच्छा अब यहाँ पर आप बता दीजिए कि आई क्या चीज़ है, आई जो है ये ले लेते हैं वन से एन तक, एंड जे जो है अभी एन लिया, तो फिर आप इसे कोई दूसरा लेटर जैसे कि एम या के वगैरह, के तो कैपिटल के यूज कर लिया, तो बस ये इस तरह से हम ये कह देते हैं। अच्छा ये हमने बेसिस जो लिए हैं ये इनको वेक्टर स्पेस, यानी कि ई वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ, एंड के का वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ये हमने एस्यूम कर लिया। अब अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि जो के की बेसिस ओवर एफ है वो अगर जो है इनका प्रोडक्ट है, तो ये कि हमारे पास जो है हमें जो 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 चीज़ चाहिए वो हमें मिल जाएगी। देखिए इसके लिए जो है हमने एस्यूम कर लिया कि इसकी बेसिस क्या है, लेट इसकी बेसिस को एस्यूम करने के लिए हमने लिखा कि लेट गैमा, जाहिर है कि के की हम बेसिस ले, तो के का एलिमेंट ले रहे हैं कोई भी एलिमेंट, तो वो बीटा जे की फॉर्म में लिखा जाएगा, और कोएफिशिएंट जो है वो आप ई से लेंगे, तो आपने लिखा लेट गैमा, गैमा गैमा बिलोंग्स टू के, ये आपने एस्यूम कर लिया। ठीक है तो फिर देन तो जाहिर है कि जब आप जो है वो गैमा को लिखेंगे,
गैमा जो है वो के का एलिमेंट है, तो आप ये कहेंगे कि ये बी वन बीटा वन से बी एम बीटा एम तक लिखा जाएगा, या आप चाहें तो इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दें, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे कर दें। कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसे जो है वो इस तरह से आप कर लेंगे, जे इज इक्वल टू वन टू एम बी जे और बीटा जे, तो ये आपने इस तरीके से लिख दिया। वेयर बी जे बीजे, अब बीजे किसमें होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो आपके पास है के इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ई, तो इसका मतलब है कि जब आप के किसी भी एलिमेंट को लिखेंगे तो कोएफिशिएंट्स जो लेंगे यानी स्केलर्स जो लेंगे वो आप ई से लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा जे कहाँ का एलिमेंट हुआ, ई का एलिमेंट हुआ, तो वेयर बीटा जे बिलोंग टू। अब ई खुद क्या है, ई इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई के हर एलिमेंट को आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो एफ के जो एलिमेंट्स हैं जो एफ की बेसिस हैं उनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देन बीटा जे के हर बीटा जे सॉरी बी जे ये जो बी जे है ये इक्वल होगा ए, अब कोएफिशिएंट जो है वो कहां से आएंगे, कोएफिशिएंट आएंगे एफ से, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ए वन जे अल्फा वन प्लस ए एन जे अल्फा एन, और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह तरीके से लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू वन टू एन और ये हो जाएगा ए आई जे अल्फा आई, तो इस तरीके से आपने ये बीटा जे लिख दिया। अब इस बीटा जे को अगर आप जो है इसको आप वन कह दीजिए तो इसे आप ये बीटा जे की वैल्यू वन में रखेंगे तो वन इंप्लाइज तो अब आपके पास ये वन में जब ये वैल्यू रखेंगे तो आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी, तो गैमा इज इक्वल टू सम ये पहले से था जे इज इक्वल टू वन टू एम, ये एक सम था, अब एक सम और आ गया सम आई इज इक्वल टू वन टू एन ए आई जे अल्फा आई और फिर उसके बाद बीटा जी, तो ये इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। अब ये जो दो सम है इनको आप एक सम में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली सिंगल सम में, तो ये आप बस सी के इंडेक्स यानी एक सम
समेशन साइन से लिख सकते हैं, और ये ए आई जे और अल्फा आई बीटा जे। तो आपने के का एलिमेंट लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज जो है वो मैं बताना भूल गया कि चले यहाँ लिख देते नीचे कि वेयर ए आई जे बिलोंग टू एफ, ठीक है। ये बात क्लियर है कि ए आई जे एफ का एलिमेंट जो है वो होगा। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि के का हर एलिमेंट, ये जो आपके पास के नजर आ रहा है, इस के का हर एलिमेंट जो है वो अल्फा आई बीटा जे इनके जो इन एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, प्रोवाइडेड कोफिशियंट्स कहाँ से लिए जाएं? एफ से लिए जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये, और इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, क्योंकि आई जो है वो 1 से n तक है और जे 1 से m तक है, तो ये सम 2 मरतबा रन होगा, एक मरतबा आई के लिए, एक मरतबा जे के लिए। तो टोटल इसमें टर्म्स आएंगी m टाइम्स n। तो जब m टाइम्स n टर्म्स आएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर्स हैं ये mn वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये स्पेनिंग सेट है। तो इससे हमने यहाँ पर ये बात कह दी कि सो दी एम एन वेक्टर्स अल्फा आई बीटा जे स्पेन के ओवर एफ। तो ये स्पेन के कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है ये अभी बाकी है शो करना कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर हमने ये शो कर दिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्पेनिंग आपने शो कर दिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट अभी इसको शो करना बाकी है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए आपने सपोज किया, हम सपोज करते हैं, सपोज सम आई जे सी आई जे अल्फा आई ये और बीटा जे, बेहतर ये है कि इस पे ब्रैकेट लगा दें ताकि क्लियरली नजर आए कि ये कोइफिशिएंट है जो कि एफ से लिया जा रहा है। तो ये हमने लिखा इज इक्वल टू 0, ये हमने सपोज कर लिया विथ सी आई जे बिलोंग टू एफ, ये हमने। यानी अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें अब ये प्रूव करना है कि सी आई जे जो है, यानी इसके जो कोएफिशिएंट है, ये 0 उस वक्त होगा जब ये सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे, ठीक है। अब इस चीज को हम किस तरह लिखेंगे, ये जो सम सिंगल सम है इसे हम डबल सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे वहां हमने डबल को सिंगल में कन्वर्ट किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू या जे इज इक्वल टू 1 to m, और फिर उसके बाद सम आई इज इक्वल टू 1 to n सी आई जे अल्फा आई बीटा जे इज इक्वल टू 0। इस तरीके से जो है वो हमने लिख दिया। अब ये बात पता है कि ये जो बीटा जे है इसके ये वाले कोएफिशिएंट जो है ये जो है ये इसको हम जो है ये बीटा का कोएफिशिएंट है, जैसे कि पहले
आपने देखा था बीजे, ये जो है बीजे, इसको आपने देखा था कि ये बीजे, तो ये एक्चुअली बीजे है, ये जो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो बीजे है ये किसमें बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा बीजे ई में। तो इसका मतलब ये हो गया, एंड दिस सम आई फ्रॉम 1 to n सी आई जे, हम यहाँ सी आई जे कह रहे हैं, वो ए आई जे पहले लिखा हुआ था, तो ये एक्चुअली वही चीज है, अल्फा आई बिलोंग्स टू ई, तो ये इसका मतलब है कि ई में, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि एलिमेंट्स ऑफ बीटा जे ये हैं इंडिपेंडेंट ओवर ई, ठीक है, यानी कि जो है वो, क्योंकि ये तो पहले से आपको पता है कि ये इसकी बेसिस है, ये जो है ये तो बेसिस है, यानी कि इस पे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और स्पेनिंग भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बीटा जे का जो कोफिशेंट है, यानी कि बीटा जे जो होंगे वो सारे इंडिपेंडेंट ओवर ई होंगे, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट ओवर ई होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है ये जीरो के इक्वल होंगे, ये सब जीरो के इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं, सिंस सिंस बीटा जे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर ई, देन सम आई फ्रॉम 1 to n सी आई जे अल्फा आई इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब ये अगर इज इक्वल टू जीरो है तो हमें पता है कि ये जो ई है, ये ई जो है ये है वेक्टर स्पेस ओवर एफ, तो इसका मतलब अल्फा आई लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो अब हम लिखेंगे कि अल्फा आई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ सो, अब क्योंकि ये जीरो की इक्वल है सो सी आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एंड जे। मैं इसके बाद यहां लिख देता हूं, सो अल्फा आई बल्कि हमें इस तरह से लिखना चाहिए कि दस अल्फा आई बीटा जे आर नॉट ओनली स्पेन नॉट ओनली स्पेन के ओवर एफ
बट ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ। तो यही चीज हमें काफी है ये बताने के लिए कि ये इसकी जो है वो बेसिस है, ठीक है। हेंस अल्फा आई बीटा जे इज ए बेसिस ऑफ के ओवर ओवर एफ। तो ये थ्योरम का प्रूफ है।